हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष जिगना में। तो दोस्तों, आज बात करते हैं जो आपको मैंने बताया था भाई, फॉर्मूला जो रीअपीयर वाले बच्चे हैं 40% वाले क्या होंगे उससे, और उस जो 40% जिनके हैं या फिर उससे ज़्यादा है तो दोस्तों वही पास होंगे। तो दोस्तों, उसके मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे आप लोगों के। सर हमें ये बताइए कि हमारे ये इसमें इसमें रही है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम सारा बायोडाटा आपके क्वेश्चनों को देख लिया दोस्तों मैंने। तो दोस्तों, आज सारा बायोडाटा आपके सामने बताएंगे। तो दोस्तों, जो साथी सेकंड सेकंड सेम, फोर्थ सेम, सिक्स सेम और एट सेम जिनके इवन सेमेस्टर में री है, तो दोस्तों वो ध्यान पूर्वक सुनना और अपने डीएमसी को अपने पास रख लेना दोस्तों। जो मैंने फॉर्मूला जो कल के डेट में दोस्तों बताया था, और उसका मैं लिंक इस वीडियो में भी दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं जैसे आपके क्वेश्चन आए हुए थे दोस्तों मैंने देखे। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने एक वीडियो दोस्तों अलग से बनाना दोस्तों आप लोगों के लिए समझा दोस्तों, तो वो मैं आज बना रहा हूँ दोस्तों आपके सामने। जो कल आपके रिप्लाई आए थे, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो कल आपके जो रिप्लाई आए थे उनका मैं आंसर दोस्तों आप देता हूँ इस वीडियो के माध्यम। सारे आपके पास जो कल आए थे, मतलब जो पहले भी आए थे, मतलब टोटल आपके पास जो रीअपीयर से रिलेटेड आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई थी फाइनल ईयर से और रीअपीयर से रिलेटेड दोस्तों, आज इसकी चर्चा होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को पूरे देखना दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं जिनके 40% एग्रीगेट नंबर हैं या फिर 40% जिनके जैसे 40% वाला भी है दोस्तों, तो वो बच्चा क्या माना जाएगा, अबकी बार पास माना जाएगा दोस्तों। रीअपियर की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, सबसे पहले आपका सेमेस्टर आता है, सेकेंड सेमेस्टर आता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने डिग्री लिया हो, सबने सारी साल लिया हो डिग्री, आपके पास रीअपीयर गए, आप डिग्री लिए, तो आपके पास जो डीएमसी है आप डीएमसी देखो। सबसे पहले आप डीएमसी देखोगे जिसमें आपके पास मेरे पास मैसेज आए हुए थे, सर हमें ये बताएं कि हमारे दो सब्जेक्ट में री है, तीन में री है, चार में री है, या मैं पेपर नहीं देने पाया था, मेरा क्या होगा, अब की बार क्या होगा सर। दोस्तों, ये सारे रिप्लाई का आंसर आपको मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके क्या होने चाहिए, 40% नंबर दोस्तों आप लोगों के होने चाहिए दोस्तों, किस हिसाब से जो मैंने कल फॉर्मूला आपको एक समझाया था, उसका लिंक मैं दोबारा इस वीडियो के अंदर दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आपके पास सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में जैसे आपकी री है, तो आपके पास वो लगा लो भाई, सेकेंड सेमेस्टर आपके भाई आपके बी ए से रिलेटेड लगा लो, बी कॉम से रिलेटेड लगा लो, सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल आपके पास सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुलपति सारे मिलके बैठक हो लिए दोस्तों, और नोटिफिकेशन जो जारी किया है 11 पेज का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया है, उससे बात आपके पास 101% दोस्तों, ये क्लियर बात है, सारी यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करेंगी। और कल आईजू यूनिवर्सिटी ने तो अपना डाल दिया दोस्तों, अपने साइट के ऊपर डाल दिया दोस्तों, आईजू मीरपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसने अपने साइट के ऊपर दोस्तों डाल दिया है। तो दोस्तों, 11 पेज का ये नोटिस है, उसमें आपके पास कुछ नहीं दे रखा, मैंने सारा समझ लिया, उसके हिसाब से कल जो वीडियो बनाई थी आपके पास भाई, वो 40% के नंबर आपको क्या होना चाहिए, चाहिए आपके पास आपने अचीव करने थ्योरी के अंदर, और आपके पास प्लस में प्रैक्टिकल, चाहे आपके थ्योरी के लगा लो चाहे आपके प्रैक्टिकल के लगा लो, टोटल ओवरऑल आपके क्या होने चाहिए, 40% आपके ओवरऑल नंबर आपके होने चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं भैया, आपने सेकंड सेमेस्टर की जैसे कोई डिग्री ले ली भैया, आपके पास वो डीएमसी ले ली, डीएमसी में आप देखो आपके जिस सब्जेक्ट में री आई हुई है, तो री आई हुई है उस सब्जेक्ट को भी जोड़ लो। जैसे आपके री आई हुई है उस सब्जेक्ट, जैसे टोटल आपके पास वो सब्जेक्ट है 80 नंबर का आप सब्जेक्ट है वो टोटल आपके पास जिसमें आपकी री आई हुई है, और उसके आपने मार्क्स ओबिटेंड किए हैं, जैसे मान लिए यूनिवर्सिटी ने आपके जो मार्क्स दिए हैं 4 नंबर 5 नंबर जैसे वे दिए हैं, टोटल आपके अदर सब्जेक्ट है उनके साथ उस सब्जेक्ट को री वाले के साथ आप जोड़ो, जोड़ने के बाद जितना टोटल आए
जोड़ने के बाद जितना टोटल आए, सबसे पहले मार्क्स ओविटेन जो आपने किए टोटल भाई उसको ऊपर लिखो, बटे में जितने का आपके पास सेम है वो सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर जैसे बात कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर कितना है, उसके बाद मल्टीप्लाई में 100 दोस्तों। अब जो आपका 40% से ऊपर जैसे आपके नंबर आएंगे तो दोस्तों वे क्या होंगे, प्रमोट माने जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं, कई मैसेज ये आए थे सर हमें बी फार्मेसी के बारे में और बताइए बी फार्मेसी वाले क्या होंगे। तो दोस्तों बात बता देते हैं, बी फार्मेसी वालों की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं, जो ये इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ भाई, ये फार्मूला किस किस में अप्लाई होगा, ये फार्मूला रेगुलर, रीअपियर और दोस्तों जो पास आउट बच्चे हैं उन सभी पे क्या होगा, ये फार्मूले को अप्लाई कर दिया जाएगा दोस्तों। रीअपियर वाले बच्चे ध्यान से सुन ले, तो रीजन के री आई हुई हैं और जो आपके पास पास आउट बच्चे हैं और जो ये फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी बात और कर लेता हूं मैं। फाइनल के बच्चों को कैसे प्रमोट किया जाएगा दोस्तों, फाइनल के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा दोस्तों 50% आपके अभी जो असाइनमेंट आपके जमा करवाए हैं दोस्तों, 50% आपके असाइनमेंट के और जो 50% आपके किस बेस पे दोस्तों, जो आपके पीछे आपके पास मतलब जो आपके पास सेमेस्टर हो लिए दोस्तों, जैसे आपके पास फाइनल में क्या होते हैं भाई टोटल आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, जो आपके पास सेमेस्टर हो लिए उनकी क्या ली जाएगी, पूरी के पूरी एवरेज ली जाएगी दोस्तों, उनके एवरेज पे क्या कर दिया जाएगा, उनको पास करेगा दोस्तों। तो दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, जो आपके पास जो मैंने समझाया था कल, मैंने बताया था भाई जिसको नोटिस चाहिए, मैंने कल वाले वीडियो के अंदर बताया था भाई जिसको नोटिस चाहिए वो मेरे नंबर है, तो दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको वो नोटिस सारा प्रोवाइड कर दें दोस्तों। आपके पास सभी यूनिवर्सिटी का नोटिस है दोस्तों, मेरे नंबर आप नोट कर लेना 8930420142 दोस्तों, ये मेरे नंबर है व्हाट्सएप के, आप कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना सर हमें वो 11 पेज का नोटिस बता दो वो हमें दे दो। तो दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी उस पेज को क्या करेंगे, उस नोटिस को फॉलो करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसमें साफ साफ शब्दों में लिख रखा है और कई मैसेज ये आए थे सर हमारे 40% बढ़ते हैं तो हम क्या करें, दोस्तों उस नोटिस में साफ साफ अक्षरों में लिख रखा था एटलीस्ट 40, मतलब 40 वाला भी माना जाएगा दोस्तों, 40% वाला और 40% से ऊपर नंबर वाले दोस्तों क्या होंगे, अब की बार पास माने जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आपके पास मैंने बता दिया, तो आपके पास सेकेंड सेमेस्टर में भी, फोर्थ सेमेस्टर में भी और आपके पास सिक्स सेमेस्टर में भी, जो आपके पास इवन सेमेस्टर हैं सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके पास सारे इवन सेमेस्टर हैं सभी में क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे आपके पास आप लगा लो भाई जिसमें कई मैसेज आए हुए थे सर मैं अब्सेंट था उसमें, तो दोस्तों अब्सेंट वाले के जैसे आपके पास 0 नंबर लगेंगे उसमें, तो जैसे आप टोटल लगाओगे जब आपके पास अदर सब्जेक्ट हैं उनमें यदि आपके 40% से ऊपर आते हैं तो दोस्तों आपको पास माना जाएगा, जो मैंने बता दिया भाई। जैसे आपके पास आपने सेकेंड सेमेस्टर की डीएमसी ले रखी आधे में, फोर्थ के ले रखी या फिर सिक्स के ले रखी या फिर एट्थ के ले रखी दोस्तों, तो दोस्तों जो आपने डीएमसी अपने हाथ के अंदर ले रखी है तो दोस्तों आप उसमें देखिए टोटल आपके कितने हैं, बेशक आपके पास उसमें अपसेंट हो, अपसेंट वाला जो सो आप आपके पास टोटल आपके कितने हैं दोस्तों, उसको टोटल करें, आप कैलकुलेटर हाथ में ले लें, टोटल करने के बाद आपके पास कितना सेमेस्टर आपके पास वो पेपर आपके पास टोटल कितने सेमेस्टर का था मल्टीप्लाई शो कर दें। यदि आपके पास 40% एग्रीगेट नंबर आते हैं तो आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, पास माना जाएगा दोस्तों अब की बार। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक और है भाई, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे जैसे पिछले सेमेस्टर में सरकारी ये चीज तो गलत कर रही है भाई, कईयों के साथ देखे तो कि कई बात करते हैं कि सर हमें पिछले सेमेस्टर में हम पढ़ नहीं पाए बट इस सेमेस्टर में हमारे तैयार थोड़ी अच्छी है, तो दोस्तों कई ये भी बात करते हैं, सभी तरीके के स्टूडेंट होते हैं दोस्तों। दोस्तों उनके लिए बात बता दे दोस्तों भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार जैसे आप सर्टिफिकेशन नहीं हो इससे तो यूनिवर्सिटी ने साफ साफ उसमें लिख रखा है, तो आपके कोरोना वायरस के कारण अभी जो परीक्षाएं आपकी क्या कर दी गई है, सारी स्थगित कर दी गई है दोस्तों, उनको सभी को दोस्तों प्रमोट में दोस्तों चेंज कर दिया है, तो दोस्तों उनसे कोई सेटिस्फाई नहीं है,
ये आपके पास सामान्य स्थिति होने की वजह से दोस्तों आप हो जाती है थोड़ी, तो आप अपने पेपर दोस्तों दे सकते हैं। यदि कोई उस फार्मूले से सेटिस्फिकेशन नहीं है तो दोस्तों आप अपने एग्जाम में आप दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, बीएड वालों के मैसेज आए हुए थे मेरे पास, तो दोस्तों बीएड की बात करते हैं। तो दोस्तों बीएड के में भी सेम रूल से दोस्तों फॉलो फॉलो होगी ये बात, आपके कितने नंबर आए हुए हैं और आपके पास बेशक आपकी रही हो 2 सब्जेक्ट में रही हो, 3 में रही हो दोस्तों, आप टोटल कर लें। टोटल करने के बाद आप क्या करें, अपने नंबर टोटल कितने हैं भाई, सेमेस्टर कितने का था, मल्टीप्लाई में दोस्तों हैंडेड कर लें। आपके जो नंबर आएंगे तो दोस्तों आपके 40% से ऊपर आए तो आपकी बार क्या कर दिया जाएगा, आपको प्रमोट हो जाओगे दोस्तों, आप टेंशन बिल्कुल न ले दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए एक और है दोस्तों, जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं जिनके मैसेज मेरे पास आए हो, सर मैं पॉलिटेक्निक से हूँ हमें भी बताइए, तो दोस्तों उनके लिए भी बता देते हैं, पॉलिटेक्निक भी सेम रूल फॉलो करेगी। बट दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए, जो डिस्टेंस वाले बच्चे हैं सेकेंड ईयर को तो दोस्तों प्रमोट कर देंगे, किस आधार पर, तो डिस्टेंस वाले बच्चे फर्स्ट ईयर के आधार पर। बट दोस्तों फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं डिस्टेंस के, उनका अभी तक नोटिस दोस्तों नहीं आया है साफ साफ, क्योंकि उनके पास जैसे यूनिवर्सिटी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं उनका, क्योंकि डिस्टेंस वाले के बच्चों के पेपर है पूरे साल में एक बार होते हैं दोस्तों, तो उन्होंने पहली बार एडमिशन लिया दोस्तों। तो दोस्तों उनके आपके पास जैसे डिस्टेंस वाले बच्चे हैं भाई, तो डिस्टेंस वाले बच्चे फर्स्ट ईयर में है कोई, तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में है कोई तो दोस्तों जैसे वो भाई उनके लगाएंगे नंबर तो उनके किस बेस पे लगाएं दोस्तों, जैसे उनका कोई रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास नहीं है तो दोस्तों उनका रिकॉर्ड और बी फार्मेसी का रिकॉर्ड दोस्तों, इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अभी से सर्टिफिकेशन नहीं है। बाकी आपके पास जो अदर है, जैसे आपके पास प्रमोट की बात दोस्तों, रीअपेयर की बात मैं बता रहा हूँ, उनकी बात आपके पास जैसे बीए के लगा लो, बीकॉम के लगा लो दोस्तों, सभी कुलपति ने क्या की दोस्तों, मीटिंग की है दोस्तों। मीटिंग करने के बाद दोस्तों ये साफ साफ शब्दों में यूनिवर्सिटी ने मानना है कि 100% आप माने चलो, वो जो आपके पास 11 पेज का नोटिस आया हुआ है दोस्तों, मैंने अब मेरे नंबर ही बता दिए हैं, तो दोस्तों आप मेरे से वो नोटिस आप ले सकते हो। और इसकी मैं बात मैंने कल वाले वीडियो के अंदर जो फार्मूला आपके पास जो मैंने बताया था, उस फार्मूले को सभी यूनिवर्सिटी फॉलो करेंगे। यदि उस फार्मूले से सर्टिफिकेशन कोई बच्चा नहीं है तो दोस्तों उसको क्या करेंगे दोस्तों, अब की बार भैया कोरोना महामारी की वजह से दोस्तों ये थोड़ा कम होने दो इसको, तो दोस्तों कम हो जाएगी तो आपके जो पेपर दोस्तों करवाए जाएंगे उनको, जो से बंदा सर्टिफिकेशन नहीं है भाई जिस नंबर से जो यूनिवर्सिटी देगी उससे, तो दोस्तों उनके पेपर दोबारी कर दिए जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो इवन सेमेस्टर की बात करें, फिलहाल सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और आपका एट सेमेस्टर, तो दोस्तों टोटल आपके पास जो सेमेस्टर है जो मैंने बात की है, इनकी आप पहले आप डीएम से निकाल लें और अपना कैलकुलेटर आप हाथ में ले लें, तो दोस्तों टोटल करें, चाहे आपके पास जिसमें आप अब्सेंट हो उसमें टोटल तो आएगा भाई, टोटल करोगे बटे में आपका सेमेस्टर कितने का है, मल्टीप्लाई आपके पास हैंडेड आएगा दोस्तों, और आपके कितने नंबर आए दोस्तों वो आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। यदि आपके 40% नंबर हैं तो आपके पास 40% एग्रीगेट नंबर आते हैं तो आपको पास दोस्तों, आपके बाद प्रमोट हो जाओगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए थी जिन्होंने मेरे पास मैसेज किए थे दोस्तों, मैं मानता हूँ उनको सभी क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों मिल गए होंगे। यदि आप भी किसी बच्चे के कोई डाउट है तो दोस्तों बिल्कुल बेझिझक दोस्तों मैसेज कर सकता है, आपके लिए अलग एक वीडियो बना देंगे दोस्तों, ऐसी टेंशन बिल्कुल न लें। तो दोस्तों आपके सामने ये वीडियो दोस्तों प्रस्तुत करनी थी, तो दोस्तों जो हमारे साथ जो नए जुड़े हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन दोस्तों आती रहे। तो दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने दोस्तों देनी थी, तो दोस्तों हमने वो दे दी, तो दोस्तों आपने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ दोस्तों।
और दोस्तों जो रीअपियर के बच्चे हैं जिनके मन में जो डाउट थी, तो दोस्तों अब वो क्या होगी होगी, क्लियर होगी होगी कि हमें किस बेस पे पास करें। पहले अपनी डीएमसी दोस्तों ले लें, तो आपका एवरेज लगा लें, आप 40% से आप ऊपर हैं, तो 40% से यदि आप ऊपर हैं तो दोस्तों टोटल आपके पास ओवरऑल प्रैक्टिकल में ला लो, जो आपके पास जो थ्योरी के नंबर दोस्तों टोटल आपके पास ओवरऑल मिलके 40% आपके होने चाहिए, उनको कर दिया जाएगा प्रमोट। अदरवाइज आपके यदि कम नंबर हैं, यदि आप कई के मैसेज आ रहे सर मेरे सभी में रही है, तो दोस्तों सभी में रही है वो अपने माने चलो उसको नहीं किया जाएगा, सीधी सिंपल बात है, सभी में रही दोस्तों, क्योंकि उसके सभी में रही है 40% तो होगी नहीं, सीधी बात है। तो दोस्तों यदि भाई जिसके बाई चांस जिसके भाई सभी में रही है पर उसके 40% नंबर बैठते हैं, तो दोस्तों उसको पास किया जाएगा, ये बात कान खोल के सुन लो आप। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही। तो दोस्तों यदि हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने साथियों के साथ जरूर इसको शेयर करें, ताकि आपके पास हर आने वाले नोटिफिकेशन दोस्तों मिल सके। जैसे आपके पास प्रमोट का जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, मैंने डाल दिया था 15 तारीख तक सभी यूनिवर्सिटी प्रमोट को दोस्तों रिजल्ट को क्या कर देंगे, सर्टिफिकेशन दोस्तों कर देंगी। तो दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी के बारी बारी ऑनलाइन आपके पास फॉर्म भी निकले हुए हैं दोस्तों, जो मैंने डाल रखे हैं दोस्तों, आप अपने चैनल के माध्यम से देख लेना दोस्तों, जो मैंने डाल रखे हैं। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के निकला है दोस्तों, एमडीयू ने भी, जैसे आपके पास सारे के सारे दोस्तों यूनिवर्सिटी के बारी बारी दोस्तों निकल रहे हैं, और दोस्तों जो डीयू के ओपन के हैं दोस्तों वो भी आपके पास दाखिले स्टार्ट हो रहे हैं जा रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर भी आपके पास काफी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने डाल रखी है, आप देख लेना। अलग अलग के प्लेलिस्ट बना रखी है, एमडीयू के अलग बना रखे, सारे वैसे अलग डाल रखे दोस्तों, आप उनके माध्यम से आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।